उज्जैन के भैरवगढ़ में श्री अरविंदो औषधि वाटिका के नाम से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें नर्सिंग के छात्रों ने करीब 2000 औषधीय पौधे लगाए हैं। वृक्षारोपण अभियान में करीब 300 छात्र शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पीसी दुबे ने छात्रों को औषधीय पौधों के महत्व को समझाया। डीएफओ किरण बिसेन ने वृक्षारोपण प्रोजेक्ट के बारे में बताया और छात्रों को उत्साहित किया। साथ ही डीन छात्र कल्याण डॉक्टर जयश्री तापड़िया ने आयुर्वेद के साथ मिलकर काम करने के महत्व को बताया और कहा कि ये उन बीमारियों के लिए कई नए इलाज के तरीके दे सकता है जिनके पास ऐसे विकल्प नहीं है। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद भंडारी ने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। नेचुरल प्राचीन काल में से जो चली आ रही थी हर्ब की विधि कि कैसे हम उससे अपने को ट्रीट करते हैं, तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन में सर बोल चुके हैं कि हमको इन्वॉल्व करना है और मेडिसिन को हमें मेडिसिन में हमको पूरी प्राकृतिक चिकित्सा को भी अपने नॉन नेचुरल वाले उसमें एलोपैथिक में भी यूज करना है। और साथ में क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन जो अपनी कंट्री में इतना ज्यादा फैला हुआ है उसको उसका बचाव भी यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है, सब कुछ रहता है और कैसे एटमोसफियर इसके कारण से प्योरिटी आती है। इसलिए अपन प्लांट जितने ज्यादा लगेंगे पर्यावरण से हम उतना ही मैं इसमें देख रहा हूँ किसी जैसी है। देखो अपन अभी भी नेचुरोपैथी और इन सिक्स चीजों से ट्रीट कर सकते हैं, अपने अपन ने इंटीग्रेटेड मेडिसिन का डिपार्टमेंट बना रखा है, ये सब चीजें बड़ी बात की है।